जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी से क्षमा मांग रहा हूं कि एक लंबे समय से अश्वमेघ की श्रृंखला जारी नहीं रह पाई, लेकिन मैंने कहा भी था आपसे कि मैं लगातार श्रृंखला ले लूंगा और उसे पूरा करूंगा। तो आज मैं अश्वमेघ की श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आशा करता हूं आप सभी क्षमा कर दिया करेंगे, क्योंकि बड़ी सारी व्यस्तताएं रहती हैं और बहुत सारे काम रहते हैं बिना मतलब के। इस जीवन में बस मतलब का एक ही काम है, ध्यान। ध्यान के सिवा बाकी सब बिना मतलब का काम है, क्योंकि साथ कुछ जाना ही नहीं है। तो अगर कोई मतलब का काम है तो वह है ध्यान, बाकी सब बिना मतलब का काम है। लेकिन अब दुनिया है और रंगमंच पर आप भी उपस्थित हैं तो अभिनय तो चलेगा ही। खैर, तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में कि किस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। इस नींव को मजबूत किया दो लोगों ने। किसने? एक वॉरेन हेस्टिंग ने और दूसरा कॉर्नवॉलिस ने। दो लोगों ने नींव रखी रॉबर्ट क्लाइव ने, और इस नींव को मजबूत किया वॉरेन हेस्टिंग ने और कॉर्नवॉलिस ने। इस मजबूत नींव पर महल बनाया वेलेस्ली ने और लॉर्ड हेस्टिंग ने। और इस मजबूत महल को भव्य बनाया, भव्य, ब्यूटिफाइड बाय विलियम बैंटिक एंड डलहौजी। और इस प्रकार से आपका पूरा 18वीं शताब्दी का जो इतिहास है वो इस ग्राफ में सम्मिलित हो जाएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किसने रखी? फाउंडेशन रॉबर्ट क्लाइव ने रखी। इस फाउंडेशन को मजबूत किसने किया? इस फाउंडेशन को मजबूत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने और कॉर्नवॉलिस ने। इस मजबूत नींव पर महल किसने बनाया? वेलेस्ली ने और लॉर्ड हेस्टिंग ने। इस महल को भव्य किसने किया? विलियम बैंटिक ने और डलहौजी ने। ये पूरा ग्राफ ऐसे ही बना लीजिए और इस ग्राफ के हिसाब से ही पढ़ना है तो पूरे 18वीं शताब्दी का जो इतिहास है वो आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध की चर्चा मैं कर ही चुका हूं, रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा मैं कर ही चुका हूं, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में नींव रखी और उस नींव को मजबूत किया वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्न। अब ये जो शब्द है मजबूत, इस पर ध्यान देना है। जिंदगी शब्दों का खेल है, इस मजबूत शब्द पे ध्यान देना है कि साम्राज्य की नींव को मजबूत किया जा रहा है तो ऐसा क्या क्या काम करेंगे कि नींव मजबूत होगी। महल बनाया वेलेस्ली ने और लॉर्ड हेस्टिंग ने, यानी विस्तार किया साम्राज्य में और सारे राज्यों को सम्मिलित किया, और फिर उसको भव्य बनाया विलियम बैंटिक ने और डलहौजी ने। यह पूरा ग्राफ ऐसे ही नोट करिएगा और इसी ग्राफ के हिसाब से तैयारी करिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव पर हम चर्चा कर चुके हैं, अब वॉरेन हेस्टिंग। अगली हेडिंग डालिए वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग,
अब किसी भी शासक को जब आपको तैयार करना है, एंशिएंट में, मेडिवल में, मॉडर्न में, कंटेम्प्रेरी में, एक बड़ा छोटा सा सूत्र आपको बताता हूं। सूत्र को याद रखिए, और सूत्र यह है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति किस पर निर्भर करेगी? प्राथमिकता पर। बड़ा छोटा सा सिद्धांत है, अब कोई उदाहरण दे देता हूं। अब अकबर को ले लीजिए। अकबर मुगल जब भारत पहुंचे, जब तुर्क भारत पहुंचे, तर्क, तो इन्हें सिर्फ हिंदू सरदारों का सामना करना पड़ा, हिंदू चीफ्स। पर जब मुगल भारत पहुंचे तो अब इन्हें दो सरदारों का सामना करना पड़ रहा है, एक तो हिंदू और दूसरा टर्किश चीफ्स। जब तुर्क भारत पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक गुट का सामना करना पड़ा, हिंदू सरदारों का। लेकिन जब मुगल भारत पहुंचे तो उन्हें दो गुटों का सामना करना पड़ा, हिंदू सरदारों का सामना करना पड़ा और तुर्की सरदारों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि तुर्की सरदारों ने मुगलों को गले लगाए ले कि आख भाईजान आइए मध्य एशिया से, हम दोनों मुसलमान भाई मिलकर भारत पर कब्जा करें। ऐसा कुछ भी नहीं था। पहली लड़ाई जो मुगलों को लड़नी पड़ी, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, मुसलमान, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। कोई स्थायी मित्र नहीं है, कोई स्थायी शत्रु नहीं है, स्थायी बस एक ही चीज है, हित। अब अकबर को पता है कि हम विदेशी हैं और हमें दो दो सरदारों का सामना करना पड़ रहा है, दो दो गुटों का, तो अकबर लाता है राजपूत नीति। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। दो गुटों का सामना करना है तो एक स्थायी ताकतवर मित्र चाहिए। तो कौन बना स्थायी ताकतवर मित्र? राजपूत। इसीलिए तो अकबर महान है, जो प्राथमिकता के हिसाब से नीति बनाएगा वो सफल होगा। औरंगजेब प्राथमिकता को समझ नहीं पाता, औरंगजेब प्रायोरिटी को समझ नहीं पाता, और मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से बहुत आगे चल रहा है। किसी भी शासक की सफलता इस सूत्र पर निर्भर करती है। अब जैसे अकबर की एक नीति है तौहीद इलाही, तौहीद इलाही। अब अगर आज हिंदुस्तान को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को सारे हिंदू खा जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को सारे मुसलमान खा जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि नफरत की ये आग ऐसे ही चलती रही तो दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। भारत में सारे, अफगानिस्तान में हिंदू रहते हैं, मुसलमान है। तालिबान यहूदी हैं, मुसलमान है। इंटरेस्ट है, नीति है, तौहीद इलाही। अकबर को समझ में आता है कि इतने बृहद साम्राज्य पर भारतीय उपमहाद्वीप जिसका प्रमुख तत्व है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस पर किसी एक मत का वर्चस्व नहीं हो सकता, उस पर किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं हो सकता। तो पॉलिसी क्या है? तौहीद इलाही। यह है फॉर्मूला। किसी भी शासक को पढ़ना हो इस फॉर्मूला को याद रखिए, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति किस पर निर्भर करेगी? प्राथमिकता पर। तो ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के आधार पर वॉरेन हेस्टिंग को देखते हैं कि उसकी पहली नीति क्या है।
उसका पहला टारगेट क्या है और क्यों है? उसकी पहली इंपॉर्टेंट नीति है भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, भू राजस्व व्यवस्था। अब 1770 में कंपनी के पास जो चुनौतियां हैं, पहला चुनौती ट्रेड एंड कॉमर्स को जारी रखना, दूसरा चुनौती विस्तार एक्सपेंशन, तीसरी चुनौती औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन, चौथी कंसोलिडेशन, जिस पर कब्जा किया है उसको मजबूत किया जाना। बंगाल बिहार ओडिशा पे कब्जा, तो उसको सशक्त भी तो करना है, मजबूत भी तो बनाना है। ये सारी चुनौतियां ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने हैं। व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना, विस्तारवाद साम्राज्य को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को गति देना और भारत में अपनी उपलब्धि को कंसोलिडेट करना। और इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन सारे ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए किसकी जरूरत है? धन की, मनी। इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसकी जरूरत है? धन, मनी की जरूरत है। और 1765 में कंपनी को दीवानी मिली चुकी है। दीवानी मतलब भू राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार, कहां की? बंगाल बिहार और उड़ीसा की। ये विदेशी लोग, फॉरेनर्स, फॉरेनर्स बिकेम रूलर्स, फॉरेनर्स बिकेम रूलर्स। ना यहां की राजनीति के बारे में पता, ना यहां की संस्कृति के बारे में पता, ना यहां की राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में पता। तो इन्होंने क्या किया? एक डेप्यूटी दीवान नियुक्त किया। डेप्यूटी दीवान नियुक्त किया किसको? शिताब रॉय को। शिताब रॉय को डेप्यूटी दीवान नियुक्त किया कि भैया देखो, हमें तो कुछ पता है नहीं, अब जितना पैसा कलेक्ट हो रहा है वो तुम कलेक्ट करके हमको दो। लेकिन अगर आपके पिताजी ने कहा कि आप दिल्ली जाइए और हम आपको 50,000 रुपया महीना देंगे, या आपके पिताजी ने कहा आप दिल्ली जाइए हमारे पास जैसा पैसा होगा वैसा देंगे, तो आप दिक्कत में रहेंगे। सरकारी नौकरी की तलाश क्यों है व्यक्ति को? सरकारी नौकरी में या किसी भी नौकरी में एक चीज स्थिर है, सोर्स ऑफ इनकम। और जब सोर्स ऑफ इनकम स्थिर है तो यह पता है कि प्रति महीने को मैनेज कैसे करना है। और मनुष्य खतरा लेने से घबराता है, मनुष्य स्ट्रगल करने से, हालांकि उसकी नियति है स्ट्रगल, मनुष्य की नियति है स्ट्रगल, वो उससे बच ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है सर। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत समझदार आदमी है सर। जब लड़ना ही है, जब मरना ही है, जब परेशानी होना है, तो छोटी चीजों के लिए क्यों? संघर्ष मनुष्य की नियति है, डेस्टिनी, उससे वो बच ही नहीं सकता। आज मैं एक छोटी सी क्लिपिंग बनाने जा रहा हूं। जन्माष्टमी प्रोग्राम हमारे आश्रम दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में जन्माष्टमी का प्रोग्राम है और रात 9 बजे से 11-12 बजे के बीच 30 अगस्त को उस प्रोग्राम को रिले किया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से सभी ने निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग उस प्रोग्राम का आनंद उठाएं और उसकी शिक्षा को ग्रहण करें। तो मैं आज उसी पे एक छोटी सी क्लिपिंग बनाऊंगा इस क्लास के बाद। कई सारे लोगों के मैसेज आ गए थे कि सर अश्वमेघ बंद कर दिया। नहीं नहीं सर, अश्वमेघ बंद नहीं करेंगे, मॉडर्न इंडिया आपकी पूरी खत्म करेंगे तब, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे सर। और आप भी याद रखिएगा अपने वादे को। कोई भी नीडी आदमी मिले, कोई जरूरत, ऐसा नहीं कि घर से पैसा चुरा के ले गए दान कराए कि पता लगा पकड़े गए तो कहे ओझा सर ने कहा था कि हमसे पढ़ लो फिर जाके दान कराना, ऐसा नहीं करना है। 5 रुपया 10 रुपया जो भी आपके पास है, आप सब विद्यार्थी स्टूडेंट हैं तो जो भी आपके पास है, जितनी आप एज ए स्टूडेंट आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से,
क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है सर, है ही नहीं सर। हर चीज जो आपको मिलती है उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीमत आपको चुकानी पड़ती है। फ्री तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। सूरज आपको ऊर्जा देता है, उसकी पूजा करनी पड़ती है सर। सारी ऊर्जा का स्रोत सूरज है, उसकी पूजा करनी पड़ती है सर। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ आभास है, है नहीं। उसमें से एक शब्द है फ्री। फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता। तो डेप्यूटी दीवान नियुक्त किया शिताब रॉय, लेकिन अब शिताब रॉय को जो शिताब रॉय ने कलेक्ट किया वो कंपनी को उठाकर दे दिया। लेकिन कंपनी को पैसा चाहिए सर अपने उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग पहुंचा कलकत्ता, उसने शिताब रॉय को हटा दिया। उसने शिताब रॉय को हटा दिया और शिताब रॉय को हटाकर 1772 में उसने कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। धन कंपनी का उद्देश्य है, चार उद्देश्य मैंने लिख के दिखाया आपको। कंपनी का उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है। और दीवानी इनके पास आई है, भूराजस्व अधिकार, भूराजस्व कलेक्ट करने का अधिकार। तो फिर इन लोगों ने, तो फिर वॉरेन हेस्टिंग ने शिताब रॉय को हटा दिया और 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की व्यवस्था की, स्थापना की। अब ज्यादा धन चाहिए, धन ज्यादा चाहिए। अब राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करना, फिर एक्सपेरिमेंट करना अकबर की तरह से, उतना टाइम नहीं है इनके पास। और कंपनी है, कंपनी वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगी, कंपनी इंटरेस्ट के बारे में सोचेगी। तो पहली चीज, एक तो इन्हें ज्यादा धन चाहिए, लॉट ऑफ मनी टू फुलफिल ऑल देयर टारगेट्स। दूसरी बात, ये कंपनी है, राज्य नहीं है, तो कंपनी अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगी, कंपनी वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगी। 1757 से 1857 तक किसका शासन है? कंपनी का। कंपनी इज बॉदर्ड अबाउट इंटरेस्ट, कंपनी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट वेलफेयर। तो एक तो ज्यादा धन चाहिए और कंपनी को अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग ने ऑक्शन सिस्टम का वर्णन किया। वॉरेन हेस्टिंग का मानना था कि स्टेट सभी भूमि का मालिक है और जमींदार सिर्फ कमीशन एजेंट है। वॉरेन सिंह का कहना था कि शासक जो है, राज्य शासक, वो सारी भूमि का मालिक है और जमींदार सिर्फ कमीशन एजेंट। और इसी चीज को ध्यान में रखकर उसने ऑक्शन सिस्टम की शुरुआत की और ऊंची बोली। जिन्होंने ऊंचा ऑक्शन लगाया, ऊंची बोली लगाई, और हिंदुस्तान का आदमी, हम सब हिंदुस्तानी, और हमारे कुछ विशेष लक्षण, हमारे यहां जब लोग पैसा मांगने आते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं कि भैया मां कसम खा रहे हैं, भैया भैया मां कसम खा रहे हैं, शंकर जी कसम खा रहे हैं, 10 सितंबर को भैया शाम को पैसा वापस कर देंगे। और जब आदमी आपसे कह रहा 10 सितंबर, तो उससे पूछ लो 10 सितंबर 2021 कि 31 कि 41। कुछ चीजें हैं जो हमारी संस्कृति में निहित है। यहां का आदमी लेना बैंक के बारे में जानता है, देना बैंक के बारे में नहीं जानता। यहां किसी से दुश्मनी करनी है तो सबसे अच्छा तरीका यह है उसको पैसा उधार दे दो। वो मांगने आएगा तब तो रोएगा, लेकिन जब आप 10 सितंबर को उससे 12 सितंबर को फोन करेंगे, उठाएगा ही नहीं। और अगर उठा भी लेगा तो खुद ही बोलेगा दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। और अगर कहीं सड़क पर टकरा गया तो आपसे झगड़ा कर लेगा कि तगादा कर रहे हो, तुम्हारा पैसा लिए भागे जा रहे। अरे भागे नहीं जा रहे भैया, लेकिन 10 तारीख का टाइम दिया हो ना। और करेंसी शब्द किससे बना है? करंट से, जो चलता रहे, मनी रोटेट होता रहता है। आपने हमसे कहा 10 सितंबर को देंगे, हमने भी किसी को 15 को टाइम दे रखा है, उसने भी किसी को 20 का टाइम दे रखा है,
लेकिन इन बेचारों को इस देश के बारे में नहीं पता था। अब बोली लगाना है, लगा दिया बोली, कौन सा देना है। और कृषि में हमेशा, क्योंकि कृषि जो है वो बहुत सारे चुनौतियों का सामना करती है, कृषि एग्रीकल्चर इज ऑलवेज इन चैलेंजेस, एग्रीकल्चर ऑलवेज फेसेस चैलेंजेस ऑलवेज। मॉनसून फेल कर गया, फेमाइन हो गया, पेस्टिलेंस हो गया, बहुत सारी चुनौतियां एग्रीकल्चर के सामने। तो हमेशा से जो जमा होता था, जमा कलेक्शन, जो रेवेन्यू फिक्स होता था और जो जमा होता था वो हमेशा कम होता था, हमेशा से, हमेशा से। जो रेवेन्यू फिक्स होता था, समान लो 100 रुपया रेवेन्यू फिक्स है तो कलेक्शन भैया 50 रुपया होगा या 60 रुपया होगा, ये शुरू से था। बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ प्रोफेशन ऑफ रिस्क। तो अगर 100 रुपया रेवेन्यू फिक्स है और उस साल 50 रुपया इकट्ठा होगा, बहुत है, 60 में तो समझ लिया दैवीय कृपा है। इन लोगों ने बोली लगा दी, और लगा दिया हिंदुस्तानियों ने बोली को, जानते हैं कौन सा देना आया, लग गई बोली। अब मान लो बोली लगा दी 4 करोड़, अब जब ये पैसा कलेक्ट करने गए तो 30 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, बोले साहब पैसा ही नहीं। बोले क्यों? बोले साहब वो करवा चौथ था साहब, शिवरात्रि थी साहब, जन्माष्टमी आ रही है साहब, फिर दशहरा है साहब, फिर दिवाली है साहब, फिर भैया दूज है साहब। अबे बोले तुम लोग साल भर फेस्टिवल मनाते हो? हाँ बोले साहब हम ऐसे ही लोग हैं सर, मनाते हैं साहब। अब जब है ही नहीं तो कहां से लोगे, जब पैसा है ही नहीं तो कहां से लोगे। और कंपनी वित्तीय संकट का शिकार हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस। वॉरेन हेस्टिंग्स के इस कदम से कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गई। और कंपनी को बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड लोन मांगना पड़ा। और जब कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन मांगा तो वही अवसर बना ब्रिटिश क्राउन को कंपनी की उपलब्धि पर अपने हाथ रखने का। बंगाल बिहार उड़ीसा किसकी उपलब्धि? कंपनी की। ब्रिटिश क्राउन उस पर हाथ नहीं रख सकता था, लेकिन जब तुम किसी से कर्जा मांगते हो तो उसकी बात सुननी पड़ती है। तो जब इन्होंने 10 लाख पाउंड कर्जा मांगा तब क्राउन ने कहा कि तुम लोग को चला राज्य चलाना नहीं आता, हम बताएंगे कैसे चलाना है। तो तुम देखोगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और यहीं से कंपनी की उपलब्धि में क्राउन के इंटरफेरेंस की शुरुआत। तो वॉरेन हेस्टिंग ने राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन उसके भू राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास असफल चला गया। यह उसका पहला कदम था, कदम उठाया लेकिन असफल। कोई बात नहीं, विदेशी हैं, कंपनी चलाने वाले लोग हैं, यहां की व्यवस्थाओं से परिचित नहीं है, तो उनकी यह गलती क्षम्य है। दूसरा कदम, वॉरेन हेस्टिंग्स का दूसरा कदम, अब सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, 3। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब स्टेट लेजिस्लेचर के बिना तो चल सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बिना बिल्कुल, जुडिशरी के बिना तो बिल्कुल नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। एग्जीक्यूटिव की नींव किसने रखी? क्लाइव ने, CCS, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। तो विधायिका के बिना तो राज्य को चलाया जा सकता है, लेकिन जुडिशरी के बिना? और 1757 से
1772 तक बंगाल अराजकता का शिकार, स्टेट है ही नहीं 15 साल, फॉर 15 ईयर्स एब्सेंस ऑफ स्टेट। पंद्रह साल से राज्य है ही नहीं, राज्य का अस्तित्व ही नहीं है, कितनी तबाही मची होगी। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग ने एक बड़ा बढ़िया काम किया, दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना, दीवानी और फौजदारी। दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना, दीवानी अदालत सिविल मामलों को देखने के लिए और फौजदारी अदालत क्रिमिनल मामलों को देखने के लिए। दीवानी अदालत में हिंदू और मुसलमान के कानून लगते थे और फौजदारी अदालत में मुगल कानून। न्यायपालिका के बिना राज्य नहीं चल सकता। इसके ऊपर सदर दीवानी, सदर फौजदारी अदालत होती थी। यहां इंडियंस होते थे असिस्टेंस के लिए, यहां मुफ्ती और काजी होते थे असिस्टेंस के लिए, और इस प्रकार से एक आदिम आधुनिक न्यायिक व्यवस्था की नींव रखी वॉरेन हेस्टिंग ने। तो राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया लेकिन असफल। दूसरा जुडिशियरी, दीवानी एंड फौजदारी अदालत। और यह पूरा पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है, ये आप कहां से पढ़ेंगे? ये पूरा पोर्शन आप पढ़ेंगे, पूरा ये पूरा पोर्शन आप पढ़ेंगे बीएल ग्रोवर से। सबसे अच्छा दिया हुआ है बीएल ग्रोवर में। मैं रूपरेखा बना देता हूं, उसके बाद आप किताब उठाकर जरूर पढ़े। और सर किताब जरूर पढ़ा करिए सर। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो सर कह रहे थे और टीचर कह रहे थे और कोचिंग कह रहे, सर किताब पढ़ा करिए, सर किताब जरूर पढ़ा करिए, और वो भी स्टैंडर्ड। जैसे मैंने कहा बीएल ग्रोवर बहुत प्यारी किताब है सर, बहुत अच्छी किताब है। और किताबें अगर आपको आनंद नहीं दे रही हैं पढ़ना, तो आप तैयारी कर ही क्यों रहे हैं सर? किताबें आपकी दुश्मन नहीं है सर। जिस दिन किताबें आपसे बात करना शुरू कर देंगी तो खुदा ना सही लेकिन खुदा से कम भी नहीं बनाएंगी सर। किताबों से मत भागिए सर। इंपॉर्टेंट चैप्टर चेक कर दीजिए सर, सर ये कर दीजिए सर, सर एंशिएंट छोड़ दें सर, सर मेडिवल छोड़ दें सर, सर कोई ऑप्शनल बताइए जो बहुत छोटा है। कोई ऑप्शन बताइए सर, बहुत छोटा ऑप्शनल हो। सर एक साल में हो जाएगा, सर दो साल में हो जाएगा, सर हमको इसी साल निकालना है सर, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी, तो दूसरी से कर लेना। नहीं नहीं सर, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भावनाएं जुड़ी हैं, चलो कोई बात नहीं। तुम किसी को नहीं छोड़ोगे तो भी छूट ही जानी है, कानून है इस धरती का। यहां सब कुछ नश्वर है, सब कुछ, और नेचर ऑफ लॉ के हिसाब से चलोगे, लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से चलोगे तो विकास मिलेगा, तरक्की मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। और बेवकूफी के सिद्धांतों पे चलोगे
तो मारे जाओगे। पूरा सब कुछ बीएल ग्रोवर से पढ़ना है, सब कुछ बीएल ग्रोवर। किताबें पढ़िए सर, किताबों का आनंद लीजिए सर। किताबों से भागिए मत सर। तो बीएल ग्रोवर, ये पूरा पोर्शन आपको बीएल ग्रोवर से पढ़ना है। हिंदी मीडियम की बीएल ग्रोवर आप खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बीएल ग्रोवर है, उसको ले लीजिए और उससे पढ़िए आप। तो पहला काम उसने किया, राजस्व सुधार का प्रयास किया, लेकिन वहां वो असफल रहा। दूसरा काम उसने न्यायिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश की, और यहां उसका सबसे सराहनीय कदम रहा दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। तीसरा कदम, बहुत जबरदस्त कदम, अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई रूलर, फॉरेनर बन गए शासक। यह पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। टर्क फॉरेनर बन गए शासक, मुगल फॉरेनर बन गए शासक, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉरेनर बन गए शासक। इससे पहले जो लोग आए विदेशी आक्रांता, वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो गए। रुद्रदामन, कनिष्क, मिहिरकुल, लेकिन इन लोगों ने अपनी पहचान बनाए रखी, और इन्होंने ना सिर्फ पहचान बना के रखी पर अपना विदेशीपन को भी बचा के रखा। ये तो भारतीय हो गए बाद में, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ अपनी पहचान बना के रखी अपना विदेशीपन। तो तुर्कों ने, अब ये विदेशी लेकिन शासक, इनको भी भारत की संस्कृति के बारे में नहीं पता, इनको भी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं पता, और जानना है। तो पहला शासक जिसने यहां के ग्रंथों को अनुवाद करने का प्रयास किया वो है फिरोज शाह तुगलक, पहला तुर्क शासक जिसने भारतीय ग्रंथों के अनुवाद का प्रयास किया वो है फिरोज शाह तुगलक। और मुगल काल में अकबर ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की, रामायण महाभारत सबका ट्रांसलेशन हुआ। और उसी तर्ज पे चलते हुए, उसी पैटर्न पे चलते हुए वॉरन हेस्टिंग के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई क्यों? जिससे भारत के संस्कृत और फारसी ग्रंथों का अनुवाद किया जा सके। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई जिससे भारत के संस्कृत और पर्शियन ग्रंथों का अनुवाद किया जा सके, ट्रांसलेशन किया जा सके। अब करेगा कौन? मूलतः अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में, यूरोपियन अधिकारियों के नेतृत्व में ट्रांसलेशन होगा। तो यूरोपियन अधिकारियों को भी तो संस्कृत और फारसी आनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई और कलकत्ता में मदरसा। और इसके परिणाम स्वरूप मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया। मनुस्मृति का नाम हुआ कोड ऑफ जेंटू लॉज। गीता का अनुवाद हुआ, फतवा ए आलमगीरी का अनुवाद हुआ। एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वॉरेन हेस्टिंग
के समय की प्रमुख डेवलपमेंट्स। पहला, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में सुधार करने का प्रयास, को स्थापित करने का प्रयास, परंतु फेल। दूसरा, जुडिशरी, आधुनिक जुडिशरी व्यवस्था की नींव, सदर दीवानी, दीवानी एंड फौजदारी अदालत। तीसरा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसके काल की चौथी प्रमुख घटना है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग ने क्लाइव के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग के इस अधूरे अनकंप्लीटेड टास्क को किसने पूरा किया? कॉर्नवॉलिस ने। वॉरेन हेस्टिंग के इस अनकंप्लीटेड टास्क को किसने पूरा किया? कॉर्नवॉलिस ने। ऐसे पढ़ो ना मित्र, बस ऐसे, यही नोट्स है, यही तुम्हारा नोट्स है। ऐसे फाइल बनाओ कि जब तुम ये चार पॉइंट देखो पूरी स्टोरी क्लिक हो जाए। यहां तो तुम्हारे दुनियादारी भरी है, फिर तुम रोते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस शक्ति से आता है। हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहां तो पूरे गांव जवार दुनिया, भाभी चाची नानी मौसी सबकी कहानी यहां भरे हुए हो। भगवान ने सारा ठेका तुमको दे दिया है कि पता करो दुनिया में कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी बुरा है। पता करो, देखो अवध ओझा क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं 22 वाला कि नहीं लड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। ये वाली खबर सही है कि इनकी 2 शादियां हुई हैं, 3 शादियां हुई हैं, ये सब खबर सही है कि नहीं? तुम तो ये पता करने में व्यस्त हो। तो जब यहां पर सबकॉन्शियस में अननेसेसरी चीजों को बैठा लोगे तो बीएल रोवर कहां से जाएगी सरकार? तब कहोगे कि यार फला कोचिंग अच्छी नहीं पढ़ाती, फला टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। कोई कोचिंग बुरी मुझे आज तक तो दिखाई नहीं पड़ी, कोई कोचिंग बुरी, और ना मुझे आज तक कोई टीचर दिखाई पड़ा बुरा। मतलब मैं इस देश में एक औसत दर्जे का टीचर हूं। इस मुल्क में मैं एक बहुत औसत दर्जे का टीचर हूं, औसत, एक से एक टीचर है। अब आपको हजम करना ही नहीं है तो टीचर बेचारा ये खोलेगा हथौड़ी लेकर, सेव करेगा उसमें, संघर्ष से भाग रहे हो, दर्द से भाग रहे हो, रामचंद्र जी पागल हैं, 14 साल जंगल में रह रहे हैं, तुम्हें जंगल में नहीं रहना है लेकिन भगवान बनना है। जय श्री राम के नाम पर तो कितना बवाल मचा दोगे लेकिन उनसे कुछ सीखोगे नहीं। उनसे कुछ सीखोगे नहीं, और सीख लोगे तो महान हो जाओगे। वॉरेन हेस्टिंग के अनकंप्लीटेड टास्क को किसने पूरा किया? कॉर्नवॉलिस ने। तो अगली हेडिंग कॉर्नवॉलिस।
कॉर्नवालिस ये जो आम मन है ना, आम कॉमन मैन, जिसको मैं बार बार आम आदमी कहता हूं, उसको आम इसीलिए कहा ही जाता है क्योंकि जैसे आम चूसा जाता है ऐसे ये भी चूसा जाता है, इसलिए आम आदमी कहा जाता है। ये जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन, इसका अपना दर्शन है जीवन का, और इसके दर्शन का एक बड़ा अहम पहलू है कि या तो तुम हार गए या तुम जीत गए। Either you are victorious or you are defeated. इसलिए तो आम आदमी है, ये कुछ होता ही नहीं, ना विक्ट्री कुछ होती है ना डिफीट कुछ होती है, होती ही नहीं सर। एरिस्टोक्रेसी बस यहीं पे नियम को बदल देती है, कहती है खेल चल रहा है, एवरीथिंग इज अ गेम, और जब एवरीथिंग इज अ गेम तो या तो विक्ट्री होगी या डिफीट होगी। यह जिंदगी को बहुत सीरियस ले लेता, बहुत सीरियस, बहुत, इसीलिए तो उसे बहुत कुछ नहीं मिलता, यह इतना सीरियस ले लेता है जिंदगी को। अरे बाप रे भैया, भैया देखो भैया, देखो भैया बेइज्जती, अब दिल्ली तैयारी करने जा रहा हूं भैया, बेइज्जती ना होने पाए भैया। हिंदुस्तान में कोई बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके जो अपने बच्चों को, अब लड़का ट्वेल्थ कर लिया, अब उन्हें पता है कि ट्वेल्थ के बाद अगर ये यहाँ रहा शहर में तो ये बुलेट निकालेगा सुबह 7 बजे और फिर बुलेट के आगे लिखाएगा महाकाल और फिर चश्मा उश्मे लगा के, रेबैन ओबैन चश्मे लगा के गुड्डू पंडित की तरह शहर में घूमेगा गर्ल्स कॉलेज के टाइम पे और मार खाएगा और बेइज्जती कराएगा। तो ट्वेल्थ के बाद सारे माँ बाप लड़कों को कह देते इंजीनियरिंग, कहते तुम जाओ कोटा, जाओ जाओ कोटा, जाओ तैयारी करो इंजीनियरिंग की, जाओ डॉक्टर बनो। अब उनको सेल पता ही नहीं क्या है, माइटोसिस मियोसिस तो बहुत दूर की बात है, उनको सेल नहीं पता, कोशिका। भेज दिया कोटा में जाके देखो क्या भीड़ लगी हुई है, आप भागे चले आ रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले भैया इंजीनियर बनने जा रहे हैं। भेज दिया वहां 3-4 साल रहे, फिर 3-4 साल बाद प्राइवेट से कहते बीए भी कर ले, पापा कह रहे थे कि प्राइवेट से बीए भी कर लो, मान लो अगर नहीं हुआ तो, पापा को पता है मानना क्या हो, पापा को पता है उसमें कुछ मानना वानना नहीं है। फिर वहां से 3-4 साल बाद लौट आए, पता चला नहीं हुआ, आए बोले बहुत रिजर्वेशन है और बहुत बहुत बेईमानी चल रही है, कहीं नौकरी है ही नहीं, मोदी जी सब नौकरी खा गए। पिताजी को लगा आप क्या करें, और उसी बीच पता लगा शहर में किसी शर्मा जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया आईएएस में, और मीडिया ने एकदम न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे छापा कि फला फला शहर का बढ़ाया गौरव, और टाउन हॉल में बुला के सम्मान समारोह और ये और वो, और जाके खड़े हैं। और पिताजी को लगा कि अब बहुत सही मौका आया है, तो पिताजी भी अपने बच्चे की तरफ पलटे कि तू हमारे फैमिली का सिकंदर, तू भी हमारा नाम रोशन कर, जा दिल्ली। और फिर किताब उताब कॉपी भरा और जो है लटकाया बैग, और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी अब जा रहे हैं, अब कलेक्टर बनकर ही आएंगे, और यहां से तुम वापस नहीं जा सकते दिल्ली से, कोटा से तो तुम वापस चले गए थे, दिल्ली से वापस ना जा पाओगे क्योंकि अब बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारा अहम काम कर रहा है, अब यहां से लौट के खाली हाथ जाओगे तो दुनिया जीने नहीं देगी, दिल्ली से बस दो ही रास्ते हैं, दिल्ली आए तो बस दो ही रास्ते हैं, या तो मसूरी या हरिद्वार।
वापस लौटे तो मोहल्ले वाले कमिश्नर साहब कह के जान ले लेंगे। समाज बहुत अजीब है। नीरज चोपड़ा का देखे, ओलंपिक गोल्ड बेचारा जीत गया, पूरा गांव खड़ा है, भैया हमने एक बार दूध पिलाया था, हमारी बकरी दूध दे रही थी तो हमने भी नीरज भैया को दूध पिलाया था। उनकी बकरी का दूध का एहसान है नीरज भाई पर। ये सब देखा करो वीडियो, पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शहर रास्ते में खड़ा है कि एक बार नीरज भैया जा रहे थे और हमको देख के मुस्कुराए थे। ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा, और हार जाओगे ना तो इतनी गाली पड़ेगी, इतनी गाली पड़ेगी। और मजा दोनों में है, और हार के जीतने का जो मजा है, क्योंकि अगर हारे तो दुनिया पता चल जाती कि है क्या। जो लोग जिंदगी में कभी नहीं हारते ना, वो जिंदगी के अंतिम समय में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अंतिम समय में अगर यूटिलिटी खत्म हुई और दुनिया ने साथ छोड़ा तब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी हारना भी बहुत जरूरी है। कॉर्नवालिस 1783, 1783, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश फोर्स का सेनापति, और ब्रिटिश फोर्स ने वहां सरेंडर कर दिया अमरीकियों के सामने। लेकिन योग्य आदमी था कॉर्नवालिस, योग्य आदमी था, योग्य। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर किया कि भाई हमारी तरफ से यार इंडिया चले जाओ और गवर्नर जनरल बंगाल बन के। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब जो बाकी दो प्रेसिडेंसी का गार्जियन है वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब जो बाकी दो प्रेसिडेंसी का पिता है, फादर। और वॉइसराय 1857 के बाद क्राउन का प्रतिनिधि। एज अ गवर्नर जनरल बंगाल वॉज द गार्जियन ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल वॉज द फादर ऑफ द अदर टू प्रेसिडेंसीज। योग्य आदमी था कॉर्नवालिस। हार गया तो कोई बात नहीं, इतना जिंदगी में तुम बस जिंदगी में एक चीज छोड़ना छोड़ दो, विक्ट्री और डिफीट, तुम्हारी जिंदगी की 70% चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम जब रात में सोते हो ना तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। जब लेटते हो बिस्तर पर तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे। तो पहला फेस ये है कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, गांव में सब लोग गए हैं, पैर पे लेट गए हैं, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, तो तुम बड़ा चौड़े होकर लेटे रहते हो जब ये वाला फेस का सपना चलता है। तो फिर सेकेंड फेस का सपना चलता है कि आईएएस नहीं बने, पापा घर से भगा दिए हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, गुरुद्वारे के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, और तुम फिर सिकुड़े हुए सोते हो। तो मुझे किसी आदमी को सोता हुआ दिखा दो, मैं बता दूंगा कौन से फेस का सपना चल रहा है। और यही इसीलिए तो एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी उसके नियम है अपने, वो इनके साथ रहती ही नहीं, वो जानती यार फालतू के सिद्धांत जीवन में। मैं तो शिकार हुआ सर इसका, मैं तो सर इसका शिकार हुआ, तो बच गया, सौभाग्य से अच्छे गुरु मिल गए। तो कंपनी ने कॉर्नवालिस को हायर किया कि सरकार आप हमारी तरफ से हिंदुस्तान जाएं और आप ही संभाल सकते हैं हिंदुस्तान। उसने कहा जाएंगे, जरूर जाएंगे, कोई बात नहीं, एक शर्त है। बोले बताएं। कहा वीटो चाहिए। तो पहला गवर्नर जनरल जिसको कंपनी ने वीटो दिया, उसने कहा वीटो चाहिए, वीटो। आर्मी का आदमी है ना, जनरल रहा है आर्मी का, उसने कहा वीटो चाहिए कि अगर कोई कदम उठाऊं तो कोई मेरे कदम में दखलंदाजी ना करे। कंपनी ने कहा दिया। तो कॉर्नवालिस से गवर्नर जनरल को वीटो दिए जाने की शुरुआत। अब E इज इक्वल टू ई,
इकोनॉमी संभाल लो, स्टेट अपने आप संभाल जाएगा। तो इसका दूसरा महत्वपूर्ण कदम था राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम। और रेवेन्यू सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण कदम था परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। 1793 चलिए यहां तक पूरा करिए, फिर कॉर्नवालिस यहीं पर आपको एक और राज्य की कहानी, बंगाल की कहानी मैंने सुनाई आपको, यहीं कॉर्नवालिस में मैं आपको एक नए राज्य की कहानी सुनाऊंगा, एक नए पर्सनालिटी की कहानी सुनाऊंगा, टीपू सुल्तान, 18वीं शताब्दी का नायक। जय हिंद।